दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं अर्थशास्त्र का, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का तीसरा चैप्टर है टीआर जैन बुक में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है 1991 से आर्थिक सुधार या फिर नई आर्थिक नीति, जिसे आप शॉर्ट में एलपीजी की नीति के नाम से भी जानते हैं। और इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक लिख रखे हैं, एक एक करके मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला है आर्थिक सुधार क्या होता है, दूसरा आर्थिक सुधारों की क्या आवश्यकता पड़ी, तीसरा उदारीकरण किसे कहते हैं, चौथा उदारीकरण के लिए हमने कौन कौन से उपाय किए यानी भारतीय सरकार ने, पांचवा हमारा टॉपिक है निजीकरण क्या होता है, और छठा है हमारा कि निजीकरण को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी उसे भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू करने के लिए हमने कौन कौन से उपाय किए यानी भारत सरकार ने किए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के बाद होगा वैश्वीकरण के उपाय, फिर हमारा है नौवा राजकोषीय सुधार, वित्तीय सुधार, एलपीजी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव, एलपीजी नीतियों के नकारात्मक प्रभाव, फिर हम बात करेंगे आर्थिक सुधारों की, भले वो औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हो, वित्तीय क्षेत्र से संबंधित हो, राजकोषीय सुधारों से संबंधित हो या फिर बाहरी क्षेत्र से संबंधित हो। अगर ये सारे के सारे टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 100% यानी 100% आप उसका आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि विकी की पाठशाला आपको केवल इकोनॉमिक्स पढ़ाती नहीं है, रटवाती नहीं है, आपको समझाती है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। आज मैं केवल एक ही टॉपिक को कवर करूंगा जिसका नाम है आर्थिक सुधार। क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप हमें टॉपिक वाइज पढ़ाए ना कि चैप्टर वाइज, तो मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं पहले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर आर्थिक सुधार किने कहते हैं। देखिए आर्थिक सुधार, देखिए सुधार करने की कब जरूरत पड़ती है, जब कुछ खामी हो। आप सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं, पहले थोड़ा सा बेस बनाते हैं आपका भाई। हमें 1947 में ब्रिटिश शासन से हमें क्या मिली, आजादी मिली 1947 में। 1950 में हमारा संविधान क्या हुआ, लागू कर दिया गया, यानी हमारा देश लोकतांत्रिक देश से एक गणराज्य देश बन गया, यानी खुद का संविधान इंप्लीमेंट हो गया। और 1951 से दोस्तों हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ हुआ, आप जानते हैं। तो देखिए 1951 से लेकर या 1950 से लेकर 1990 तक कुछ ना कुछ तो हमारी नीतियों में कुछ खामियां थी, कुछ परेशानियां थी, कुछ फॉल्ट्स थे, जिसके वजह से हमें 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा। ये बात आप समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि आर्थिक सुधार आपको कब करने पड़ेंगे, जब कोई खराबी होगी यानी अर्थव्यवस्था में कुछ कमी होगी। तो 1991 में हमने आर्थिक सुधार इस वजह से किए क्योंकि 1990 तक भारत में आर्थिक संकट आ गया था, आर्थिक संकट, जिसके वजह से भारत सरकार को क्या करनी पड़ी, नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा। तो ये मैंने थोड़ा सा बेस बताया आपको आर्थिक विकास को बताने से पहले। अब हम बात करते हैं कि आखिर आर्थिक सुधार होते क्या है। बहुत ही सिंपल, आर्थिक सुधारों से अभिप्राय उन सभी उपायों से है जिनका उपदेश अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, पहली बात अधिक कुशल बनाना, प्रतियोगी बनाना, और तीसरी बात विकसित बनाना,
सिंपल सी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि आर्थिक सुधार किन्हें कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वो सभी सुधार जो एक देश की अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल बनाए, अधिक प्रतियोगी बनाए और विकसित करें, तो ऐसे सुधारों को हम आर्थिक सुधार कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कुशल का मतलब क्या होता है, प्रतियोगी क्या होता है और विकसित क्या होता है। तो देखिए, कुशल का मतलब है कि भारत का जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है या जो तृतीयक क्षेत्र है, उसका जो निष्पादन है वो अधिक कुशल हो। यानी कुशल का मतलब क्या, देखिए मैं अगर आपको अपने शब्दों में समझाऊं कि मान लीजिए एक काम को मैंने दो लड़कों को दिया, ठीक है, मैंने एक काम दो लड़कों को दिया, एक लड़के ने उसे 100 रुपए लगाकर 4 दिन में उसे पूरा किया और उसी उसी काम को दूसरे लड़के ने 50 रुपए लगाकर 2 दिन में पूरा कर दिया, तो आप किसे बेहतर मानेंगे? देखिए, कार्य इसने भी पूरा किया, कार्य इसने भी पूरा किया है, पर अधिक कुशलता पूर्वक किसने किया है? सेकंड लड़के ने, यानी बॉय ए ने के कंपैरिजन में बॉय बी ने अधिक कुशलता पूर्वक इस कार्य को किया है। यानी यही चीज दोस्तों, हमने जो निजीकरण, उदारीकरण या फिर वैश्वीकरण, हमने इसलिए अपने देश की अर्थव्यवस्था में इंप्लीमेंट किया ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र है, भले वो प्राथमिक क्षेत्र हो, भले वो द्वितीयक क्षेत्र हो, भले वो तृतीयक क्षेत्र हो, वो अधिक कुशल बने। यानी कम समय में, कम लागत में बढ़िया से बढ़िया वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करें। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, प्रतियोगी बनाए। प्रतियोगी मतलब क्या? जब भारतीय अर्थव्यवस्था में बनी जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दूसरे देशों से बनी वस्तुओं से कंपटीशन में टिक पाए, ताकि भारत का निर्यात बढ़ सके दोस्तों, और आयात में आए कमी। तो दोस्तों यहीं पे मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुशल का मतलब है कम से कम कीमत पे, कम से कम समय पे विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करना, पहली बात। दूसरी बात, वो जो वस्तुएं बनके तैयार हो रही है ना, वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में दूसरी वस्तुओं के साथ प्रतियोगी कर पाए और उन्हें पिछाड़ पाए। और विकसित मतलब क्या, यहाँ पे तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, विकसित। विकसित मतलब क्या कि ये जो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये जो तीनों नीतियां अपनाई गई थी आर्थिक नीति के अंतर्गत, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्देश्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित बनाना। यानी भारत का जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है और जो तृतीयक क्षेत्र है, उन तीनों को विकास करना, यानी आधुनिकीकरण लाना। यानी हमारा जो उत्पादन है, जैसे कि पहले हम खेती करते थे कैसे, बैलों से, अब बैलों से ना प्रयोग करके हम ट्रैक्टरों से करें। हमारी जो पहले जो वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण होता था, वो हस्त से होता था, हस्तशिल्प होती थी, यानी हाथों से हम ज्यादा काम करते थे। बट अब बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाए, जो भी कामगार है उनको क्या किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में प्रभाव हो। तो दोस्तों मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि आर्थिक सुधार का मतलब होता है उन सभी सुधारों से जो एक देश की अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, अधिक प्रतियोगी और अधिक विकसित बनाने का कार्य करती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें 1950 से 1990 के जो टाइम पीरियड रहा, उसमें हमने जो नीति अपना रखी थी, वो अपना रखी थी LQP की। अब ये LQP आखिर है क्या, जिसके बदले में हमने बाद में चल के LPG की नीति को अपनाया, ये चीज आपको और मैं समझाऊंगा। तो देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है कि आर्थिक सुधार दो तरीके की नीति थी। 1950 से लेकर 1990 तक जो नीति चली, उसे आप कह सकते हैं पुरानी आर्थिक नीति, जिसमें क्या था, पहला लाइसेंस लेना। यानी अगर आपको कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा उद्योग करना है, व्यापार करना है, तो हर प्रकार के व्यापार को करने के लिए, उद्योग को करने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए मैं कॉपी बनाने की एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, या मैं अपना बैंक खोलना चाहता हूं, या स्कूल खोलना चाहता हूं, तो मुझे किसी भी प्रकार का व्यापार करना है,
किसी प्रकार का उद्योग लगाना है तो मुझे सरकार से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये पहले था दोस्तों, यानी 1950 से लेकर 1990 तक की जो स्थिति रही भारत की, उसमें सभी प्रकार के जो उद्योग धंधे थे व्यापार से संबंधित, हमें सरकार से अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना पड़ता था। और जो नियम कायदे कानून थे ना, बहुत ज्यादा टफ थे, जिसके वजह से जो लाल पीता शाही या नौकर शाही के वजह से जो छोटे मोटे उद्योग या बड़े उद्योग और भी आगे बढ़ सकते थे, वो नहीं बढ़ पाए। पहली बात ये आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात दोस्तों, कोटा, यानी आप ये जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी अर्थव्यवस्था थी भाई? वो अर्थव्यवस्था थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो तरीके के उद्योग होते हैं। एक होते हैं हमारे सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जो सरकार, जो उस देश की सरकार चलाती है, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर्स कहते हैं, या शॉर्ट में PSU कह सकते हैं आप। और दूसरे होते हैं निजी उद्योग, दूसरे होते हैं निजी उद्योग। तो जो निजी उद्योग थे ना दोस्तों, भले वो हमारे बैंकिंग से रिलेटेड हो, हमारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, या कोई भी छोटी से छोटी आर्थिक क्रिया हो या बड़ी से बड़ी आर्थिक क्रिया हो, सरकार के द्वारा एक कोटा निर्धारित किया जाता था कि अगर कोई उद्योग है और वो 100% है, तो उसमें से 70% तो निजी सार्वजनिक क्षेत्र करेंगे और 30% कर सकते हैं केवल कौन? निजी क्षेत्र के उद्योग। क्योंकि दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही ये है कि जो आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, जो कि हमारी केंद्रीय समस्याएं कहलाती है, उसका निर्धारण हमारे सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर करती थी। तभी भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 तक हमने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। जबकि अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें आर्थिक निर्णयों का निर्धारण, आर्थिक निर्णय केवल और केवल बड़े बड़े उद्योगपति लेते हैं बाजार मांग और पूर्तियों के आधार पर। दूसरी होती है हमारी साम्यवादी, जिसे आप केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, जिस पर केवल और केवल आर्थिक निर्णयों का कार्य केंद्रीय अधिकारी या फिर सरकार लेती है। जबकि तीसरी होती है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे बाजारी शक्तियों के साथ साथ सरकार भी आर्थिक निर्णयों में लेने में पार्टिसिपेट करती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि दोस्तों जो निजी क्षेत्र थे उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं थी, उनके लिए हर फील्ड में, भले वो हमारे बैंकिंग सेक्टर हो, भले वो हमारे मतलब किसी भी, भले वो रसायन से रिलेटेड हो, हमेशा कोटा निर्धारित कर दिया जाता था। अगर वो कोटा पूरा हो गया तो उस आर्थिक गतिविधि को कोई और निजी कंपनी नहीं कर सकती थी। तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि लाइसेंस लेना अनिवार्य था, जो हमारी पुरानी आर्थिक नीति थी। दूसरा कि जो निजी उद्योगपति थे या जो निजी उद्योग थे, उनके लिए हर क्षेत्र में कोटा निर्धारित कर दिया जाता था। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब तीसरा था हमारा परमिट। अगर मुझे कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, कोई वस्तु या सेवा बना के मुझे बाहर देश में बेचनी है, या बाहर देश से मुझे कोई वस्तु या सेवा मंगानी है, या कोई पूंजीगत वस्तु को मुझे बाहर बेचना है, यानी कोई मशीन को बेचना है, या फिर किसी वस्तु या टेक्नोलॉजी को दूसरे देश से मुझे इम्पोर्ट करना है, तो उसके लिए परमिट होता था दोस्तों। हमें लाइसेंस यानी हमें सरकार से परमिट लेना पड़ता था। क्योंकि भारत की जो 1950 से लेकर 1990 तक का जो टाइम पीरियड रहा, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी एक बंदी अर्थव्यवस्था थी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं बंदी अर्थव्यवस्था क्यों कह रहा हूं। क्योंकि आप जितना मर्जी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है यानी निर्यात करना है या आयात करना है, उसके लिए आपको 100% सरकार से परमिट लेना पड़ता था। जिसके वजह से दोस्तों देखने में आया, जो भारत अर्थ जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी 1990 के अंत
तक आते आते आर्थिक संकट में फंस गई। जो भारतीय भुगतान शेष था वो बहुत ज्यादा असंतुलित हो गया, विदेशी मुद्रा थी वो भी बहुत ज्यादा कम हो गई। यानी हर प्रकार से देखें देश में मुद्रा स्फीति की दर बहुत बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ने लग गई और देश में हर जगह से त्राहिमाम होता रहा, यानी बहुत ज्यादा आर्थिक संकट आ गया था देश में। अब उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो गए विश्व बैंक के पास, विश्व बैंक से उधार लेने। तो विश्व बैंक ने ये कहा, हम तुम्हें उधार तो देंगे बट आपने अपनी नीति को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी पुरानी आर्थिक नीति को छोड़कर नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ेगा, यानी लाइसेंस के बदले में आपको उदारीकरण करना पड़ेगा। यानी जो पहले आपको हर उद्योग, हर धंधे, हर व्यापार से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधि को करने के लिए सरकार से अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना पड़ता था, अब उसे लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उद्योगों के प्रति आपको उदार नीति रखनी पड़ेगी। तो जो एलपीजी नीति है, एलपीजी उसमें जो एल है उसका मतलब है उदारीकरण, और उदारीकरण का मतलब सिंपल सा ये आप समझ लीजिए कि उद्योग यानी कोई भी देश का नागरिक जो उत्पादक बनना चाहता है, किसी वस्तु सेवा का निर्माण करना चाहता है या फिर व्यापार करना चाहता है, मतलब फैक्ट्री से खरीदकर होलसेल से रिटेलर में बदलना बेचना चाहता है, व्यापार करना चाहता हो या उद्योग करना चाहता हो, तो उनके प्रति उदारीकरण रखना पड़ेगा, यानी आपको लाइसेंस के स्थान पर उदार नीति को अपनाना पड़ेगा। यानी महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर, कुछ चंद महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि सिगरेट हो गई, जैसे कि खतरनाक रसायन हो गए, जैसे रक्षा उपकरण हो गए, जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज्यादा राष्ट्रीय हित से रिलेटेड है या राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड है, उनको छोड़कर बाकी सारे उद्योगों से आपको जो लाइसेंस वाली चीज है ना उसे हटाकर आपने लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, उदारीकरण का सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए आप कि आप उद्योगपतियों को स्वतंत्रता दे रहे हैं कि आप किसी वस्तु या सेवा का निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए आपको सरकार से किसी प्रकार का लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात कोटा, कोटा क्या दोस्तों, कोटे के स्थान पर मैंने आपको बताया निजीकरण। अब निजीकरण क्या होता है, जो हमारे सार्वजनिक उद्योग थे वो 1990 के अंत तक आते आते पता लग गया था देश की सरकार को कि जो हमारे सार्वजनिक उद्योग है उनका बहुत ही ज्यादा खस्ता हाल पे चल रहे हैं। तो आप देख पाते हो कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वो हमेशा घाटे में चल रही थी, उसका बहुत बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, ठीक है, और स्वाहित का ना होना, क्योंकि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो उतनी अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हैं जितने अच्छे तरीके से निजी कंपनियां करती हैं। आप इसी से एग्जांपल ले सकते हैं कि डीटीसी हमारी घाटे में चलती है जबकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वो फायदे में चल रहे होते हैं, क्योंकि जवाबदेही नहीं है दोस्तों, अगर घाटा होगा तो सरकार का होगा ये सरकारी कर्मचारी सोचता है। तो इसलिए कोटे के स्थान पर विश्व बैंक ने ये कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है निजीकरण करना पड़ेगा। यानी अब वो उद्योग जो पहले केवल सरकार द्वारा चलाए जाते थे, आप पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से लोगों को यानी निजी लोगों को यानी निजी कंपनियों को आप चलाने के लिए उनको स्वतंत्रता दे सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बात कहूं कि प्राइवेट बैंक पहले सरकारी बैंक थे बट जैसे निजीकरण हुआ तो बैंकों की संख्या बढ़ गई। जैसे आज की अगर हम आज की बात करें तो नरेंद्र मोदी साहब ने तो रेलवे तक विक दी है, आप जानते हैं कि रेलवे का भी निजीकरण हो रहा है। पहले रेलवे पर एकाधिकार था सरकार का, सिर्फ भारतीय रेल भारत सरकार द्वारा ही चलाई जाती थी, अब उसे छोड़कर भारत सरकार क्या कर रही है, निजीकरण कर रही है दोस्तों, यानी निजी कंपनियों के हाथ में दे रही है, क्लियर है। अब इसके बाद परमिट, यानी पहले मैंने बताया पुरानी आर्थिक नीति में हम क्या अपनाते थे, परमिट, अगर हमें कोई भी चीज एक्सपोर्ट करनी है, कोई भी वस्तु इंपोर्ट करनी है तो हमें सरकार से क्या लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था, क्लियर है, बहुत ही सिंपल, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। बट अब
परमिट के स्थान पे हमने क्या कर दिया, वैश्वीकरण को अपनाया। अब हमें कोई भी वस्तु या सेवा का आयात करना है या निर्यात करना है, किसी टेक्नोलॉजी का आयात करना है या निर्यात करना है, तो उसके लिए हमें सरकार से परमिट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है, पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी, बट नई आर्थिक नीति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी बन गई दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था बन गई, जिसमें हम विदेशी व्यापार को बहुत बड़ी सीमा तक बढ़ा सकते थे। कोई भी निजी उद्योगपति हो, निजी नागरिक हो, वो कोई भी वस्तु सेवा को बाहर भी बेच सकता था और बाहर से खरीद भी सकता था। तो ये दोस्तों मैंने आज आपको इसका बेसिक बताया, आप फिक्र ना करें, अभी मैं इसे डिटेल में बताऊंगा, बट मैंने आपको ये बताया जो पहली आर्थिक नीति थी वो LQP थी, जिसको बदल के, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां थी, इसके वजह से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, इसको बदल कर LPG की नीति अपनानी पड़ी। और उस समय भारत सरकार की ये मजबूरी भी थी, क्योंकि जब अगला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्या थी, तब मैं इस चीज को और अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।